वेलकम टू माय क्लास। जनरल डिस्कस करेंगे मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा और मीडियन फॉर ग्रुप डेटा भी, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा देख लेते हैं। तो मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है, सिंपली फाइंड हो जाता है वो कि जो भी डाटा क्यों है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लो या डिसेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े नंबर की तरफ राइट कर लो आप। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड पे सबसे बड़ा होता है। इस तरह से डिसेंडिंग में बड़े से छोटा जो सबसे बड़ा नंबर है इस डाटा में सबसे पहले राइट कर लो, फिर छोटा उससे छोटा, उससे छोटा, एंड तक छोटा, ठीक है। तो हमने इस डाटा को राइट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप क्या करो, नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है तो 4 यहाँ से कट हो गई, 4 यहाँ से जो सेंटर में रह गया वो मीडियन हो गया आपके पास। या तो सिंपल इस तरह से फाइंड कर लो, या फॉर्मूला ये भी होता है n+1/2 के, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 9 है डाटा की, तो 9 पुट कर लो, प्लस 1 आ गया, बाय 2 है, 2 आ गया, n+1 10 हो गया, 10/2 5 हो गया। तो फिफ्थ टर्म जो है ना आपके पास अरेंज करने के बाद जो भी फिफ्थ नंबर पे होगा वो आपके पास मीडियन होगा, तो वो 33 है, तो मीडियन आ गया। और अब हम देख लेते हैं कि मीडियन हम फाइंड करते हैं फोर ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा ये है, इसके लिए मीडियन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो मैथ्स है वो उसकी एक हमने कॉलम बना लेना, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं उसको कॉलम बना लेना है। फिर हमें एक चाहिए होती है क्लास बाउंड्री, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है। तो अब जो इसको रिजेंटली, इसको रिजेंटली राइट कर लिया क्लास बाउंड्रीज, अब आपके पास किस तरह से आ जाएंगी, अब आपके पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास आपके पास क्या आ गई, जो ये वाली, ठीक है। अब मीडियन किस तरह से फाइंड होगा, क्या आपको कैसे पता चलेगा ये मीडियन क्लास है, वो इस तरह से फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, तो 50 को 2 से डिवाइड करो, 23 आ रहा है। तो 23 किसके क्लोज है, 25, सॉरी डिवाइड करके 25 पर है, 25 किसके क्लोज है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के, 23 के। तो इसका मतलब है मीडियन क्लास हमने ये ले लेनी है, ठीक है, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ रही, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, उसके बाद ये फॉर्मूला राइट करना है, मैं आपको बताई दूंगी एल क्या, एच क्या, एफ क्या, एन क्या, सी क्या है, और टू आगे। अच्छा जी, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक तो ये होता है, तो एल क्या होता है, मीडियन क्लास आपको ये मिल गई। एल क्या है आपके पास, जो ये मीडियन क्लास है ना, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना वो आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है एल की जगह, ठीक है। एल की जगह लोअर क्लास बाउंड्री, एल हमारे पास शो कर रही है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो 119.5 है। प्लस एच आपके पास क्या है, एच आपके पास है हाइट, ठीक है, साइज ऑफ क्लास, क्लास का साइज कितना है, 120, 121, 122, 123, 124, 5 है, ठीक है। अच्छा, ये दो कंडीशन होती हैं कि जब हमारे पास क्लास इस तरह से हो ना, 110 से 114 आगे, 114 से स्टार्ट नहीं हो रही, 115 से 119, इसी तरह 119 से स्टार्ट नहीं हो रही, अगली क्लास 120 से हो रही है। तो इस कंडीशन में हम 110 को भी ऐड करते हैं, 110 को भी काउंट करते हैं, 111, 112, 113, 114 को भी आपने काउंट करना, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इस तरह की हो ना क्लासेस के 48 to 50 है, लेकिन नेक्स्ट क्लास भी 50 से स्टार्ट हो रही है, 52 तक एंड हो रही है, फिर 52 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, 54 तक एंड हो रही है, मतलब ये रिपीट हो रहा है नंबर इस तरह से आगे, ये मतलब 50 पे एंड हो रही थी, 50 से नेक्स्ट क्लास हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में आपने जस्ट माइनस करके क्लास फाइंड, साइज फाइंड कर लेनी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होना है कि आपने सबको काउंट करना है, ठीक है, वो हाइट आपके पास, साइज आई क्लास की, एफ के आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम क्लास की वो 23 है, वो आ जानी। फिर आपके पास n/2 क्या है, डायरेक्ट n पुट कर लो 50/2, या डायरेक्ट n/2 25 आ जाएगा डिवाइड करके। माइनस c क्या आपके पास, c जो है आपके पास होता है जो कि ये क्लास है ना मीडियन क्लास, इससे जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो हमें राइट करनी है, तो 17 है, तो 17 राइट कर देनी है, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाना है, अच्छा जी ये कैसे बनाना है, मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं, ठीक है ये बता दूं। क्लास बाउंड्री हम किस तरह से बनाते हैं कि ये जो है ना हमारे पास 110, ठीक है, ये जो क्लास है इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 110 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाना है, 109.5, और इसमें 0.5 ऐड कर लेना, इसमें माइनस करते जाना, इधर ऐड करते जाना, तो देखो माइनस करके ये आ रहा है, इधर ऐड करके ये आ रहा है, इसी तरह माइनस करके ये आ रहा है, ऐड करके ये आ रहा है, 0.5 का ही रखना है, ठीक है। माइंड 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है पहले फर्स्ट के लिए वैसी राइट कर लेनी है, सेकंड के लिए जो ये है ना वो राइट करनी है, और जो ये है वो ऐड करके ये आ गया, फिर नेक्स्ट राइट करनी है इधर ये वाली ऐड करके ये आ गया, फिर नेक्स्ट राइट करनी है इधर ये वाली लेके ऐड करके ये, फिर ये राइट करनी है इसकी लेके ये और ये आ गया, और फाइनल इन सब को ऐड करके उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसलिए रॉन्ग है, तो ये आप ना करना कंसिडर, बाकी सारा कुछ करेक्ट है, ठीक है, सही है। और उसके बाद फिर मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे मुझे चाहिए सी की, ये चाहिए भी हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे राइट कर लेना है, और 5 कैसे आया है, 40 माइनस के 8 आता है, 8 × 5 40 आता है, बाय 23 माइनस डिवाइड किया तो ये आ गया दोनों को, ये वैसे आ गया, इनको डिवाइड किया तो ये आ गया, दोनों को ऐड करके तो ये आ गया, तो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा आ गया। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मीडियन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फॉर ग्रुप डाटा भी, फॉर ग्रुप डाटा भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।